सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है वीर कुंवर सिंह पाठ के तीसरे भाग में। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर पर पुनः अपना कब्जा या स्थापित तो कर लिया, परंतु यह आनंद लेने के लिए, विजयी का सुख प्राप्त करने के लिए वह अधिक दिनों तक जीवित न रह सके। विजयी के ठीक तीन दिन बाद उनका निधन हो गया और वे इस संसार से विदा हो गए। इस विजयी को त्याग कर वह सदा सदा के लिए चले गए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में उनके अनेक किस्से प्रचलित हैं। वीर कुंवर सिंह छापा मार युद्ध करने में महारत हासिल किए थे। छापा मार युद्ध को गुड़ीला युद्ध भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है छुप कर शत्रुओं के ऊपर वार करना, उसके पीछे से वार करना, छापा मार युद्ध कहलाता है या गुड़ीला युद्ध कहलाता है। महारत माने होता है कुशलता, अर्थात छापा मार युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने कुशलता हासिल की थी। कुंवर सिंह की रण कौशल भी इतना अच्छा था, इतना वरिष्ठ था, या तो उनके सामने अंग्रेजों को हार मानकर अपना हथियार रख देना पड़ता था या फिर उनके सामने कट जाना पड़ता था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजों को सेना को मौत के घाट उतारा, वह आज भी हमारे इतिहास के पृष्ठों में चमक रहा है, अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में हम अनेकों किस्सा अर्थात कहानी सुनते आ रहे हैं। सच में जिस उम्र में लोग थक जाते हैं, 80 वर्ष के उम्र में इन्होंने अंग्रेजों को मात दिया, यह वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उनमें नेतृत्वता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, तो उनमें कूटनीतिज्ञता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके कारण वह अंग्रेजों की मात देने में सफल हो गए। अंग्रेजी सेना उन पर निरंतर पीछा कर रहे थे। कुंवर सिंह अपनी चतुराई से इस अंग्रेजी सेना को मात दिए। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा के तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी, एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को
भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गई है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्र से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी आवाज में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कुंवर सिंह जब अंग्रेजों की सेना से घिर जाते थे, उस समय यह बड़े ही कूटनीतिज्ञता के साथ काम लेते थे। एक बार कुंवर सिंह के सेना को गंगा पार कराना था, उन्होंने अफवाह फैला दिया और खुद दूसरे स्थान से अपने सेनाओं को वह गंगा पार कराने लगे। इस घटना का पता डगलस को चला। डगलस तुरंत वहां से भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। तब तक वीर कुंवर सिंह अपनी सारी सेनाओं को पार करा चुके थे। एक अंतिम नाव में कुछ सेना और वह स्वयं सवार थे। यह देखते ही अंग्रेज सेनापति डगलस ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक गोली वीर कुंवर सिंह की बाएं हाथ की हथेली पर हथेली को भेदते हुए निकल गई। कुंवर सिंह उसी क्षण बिना एक पल गवाए हुए उन्होंने सोचा कि इस हाथ में गोली लग जाने के कारण यह हाथ तो वैसे भी अब अपाहिज हो गया है, और यदि यह हाथ रहा तो इस गोली के जहर पूरे शरीर में फैलेगा। उन्होंने तुरंत उसी क्षण गंगा मैया को अपना बाएं हाथ भेंट चढ़ा दिए। गंगा मैया को भावपूर्ण नजरों से देखते हुए, अर्थात आस्थापूर्ण नजरों से देखते हुए उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, मेरी ये अकिंचन अर्थात मेरे ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो। इतना कहकर उन्होंने अपनी बाएं हाथ कलाई से नीचे काट दिए और गंगा मैया को अर्पित कर आगे बढ़ते रहे। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ तो सामना किए ही, उनसे तो मुकाबला किए ही, साथ साथ उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। पानी की पर्याप्तता के लिए उस समय लोग कुएं और तालाब खुदवाया करते थे। वीर कुंवर सिंह भी उन्होंने भी ये सामाजिक कार्य करने से पीछे नहीं हटे और स्कूल भवन निर्माण करने के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से कुछ जमीन दान दिए और उस पे स्कूल की भवन तैयार करवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाले और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रस्वनी भूमि धन्य वह
धन्य वीर वह धन्य अतीत गाते थे और गवाए गवाएंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जैसी झांसी की रानी की वीरता बुंदेलवासी करते हैं और उस वीरता की गाथा को कुमारी सुभद्रा कुमारी चौहान बड़े ही मार्मिक ढंग से अपनी कविता में उतारी है, उसी प्रकार यहाँ बिहार की एक सुप्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने कुंवर सिंह की वीरता को भी अपने शब्दों में उतारा है और यह लोकगीत लोगों की जुबान पे हमेशा बुदबुदाता हुआ रहता है, गुनगुनाता हुआ रहता है। उनकी प्रशस्ति में, उनकी प्रशंसा में यह लोकगीत लोगों के जुबान पे आ ही जाता है। वीर कुंवर सिंह वीर तो थे ही, शूरवीर तो थे ही, वे संप्रदायों से भी लगाव रखते थे। वह हिंदू और मुस्लिम में किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं करते थे। वे दोनों संप्रदाय से प्रेम करते थे। हिंदू के साथ साथ वह मुस्लिम के पर्व भी अपने सहृदयता से मनाते थे। उनके यहाँ संप्रदायों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं थे। वीर कुंवर सिंह सभी को दिलों में आज भी बास करते हैं और उनकी अमर गाथाएं आज भी हमारे इतिहास में अमर हैं। हमारे आने वाले पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक इनकी वीर गाथाओं को याद रखेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।